राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम है आपकी आवाज। मैंने दखान इस वक्त हमारे समय जगत में भाई संत राजेंद्र सिंह राजपूत भारत युवा उत्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो इस वक्त मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। हम इनसे कुछ नशा मुक्ति केंद्र अभियान के तहत कुछ बात करना चाहते हैं। तो सर हमें ये बताएंगे श्री श्री बाबा श्री कौन है। श्री श्री बाबा श्री जी श्री निर्विकार पद के प्रकटकर्ता हैं जो विगत 33 वर्षों से मां नर्मदा की साधना कर रहे हैं। विगत 33 वर्षों से अन्न का एक दाना उन्होंने नहीं खाया, हमेशा मां नर्मदा का जल लेते हैं तथा 33 वर्षों से सोए भी नहीं। उनकी दाढ़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 11 फीट 4 इंच की उनकी दाढ़ी है और जो विश्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 2 बार गिनीज बुक में उनका नाम है, कई बार मां नर्मदा की परिक्रमा की। ऐसे महान तपस्वी संत श्री श्री बाबा श्री जी जो सत्य सरोवर बगासपुर गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में जिनका आश्रम है, ऐसे महान संत श्री श्री बाबा श्री जी लगातार 33 वर्षों से मां नर्मदा की साधना में लीन है, ऐसे महान पूज्य हस्ती श्री श्री बाबा श्री जी हैं। नशा मुक्ति अभियान के पीछे आपका उद्देश्य एवं रूपरेखा क्या है? श्री श्री बाबा श्री जी का श्री निर्विकार पद के प्रकटकर्ता श्री श्री बाबा श्री जी का जो अभियान है भारत युवा उत्थान जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें श्री श्री बाबा श्री जी का कहना है कि आज इस देश के नौजवान जिस प्रकार नशे की हालत में दर दर भटक रहा है, नशीला होता जा रहा है, उसकी चिंता होना चाहिए। इसलिए हमारा जो मध्य प्रदेश नशा मुक्त हो, हमारा यही उद्देश्य है कि इस देश का नौजवान, इस राष्ट्र का नौजवान, मध्य प्रदेश का नौजवान नशा मुक्त हो और इस नशा मुक्ति अभियान जो हमने संकल्प लिया है कि 12 जनवरी विवेकानंद जयंती से लेकर के 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि तक हम चलाएंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि विवेकानंद जयंती जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद आज युवाओं के आदर्श हैं, ऐसे महान योगी को नमन करते हुए आज का नौजवान अपने स्कूल में कॉलेज में कोचिंग कक्षाओं में नशा मुक्ति को लेकर के संकल्प ले तथा हमारा यह है कि मध्य प्रदेश की जितने भी 23,000 जो ग्राम पंचायतें हैं सभी ग्राम पंचायत के बंधुओं से भी हमारा यही है कि अपने गांव में जाकर के लोग एकजुट होकर के नशा मुक्ति के प्रति रैलियां निकाले तथा 26 जनवरी को प्रत्येक स्कूल कॉलेजों में कोचिंग कक्षाओं में लोग जो है नशा मुक्ति का संकल्प दिलाए और आने वाली 30 जनवरी को मध्य प्रदेश में के भोपाल में पूरे प्रदेश के लोगों को युवाओं को इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे। ये हमारी अपनी रूपरेखा है, इस हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम मध्य प्रदेश की जनता से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर जो जहां है उस रूप में इस अभियान के तहत यानी 12 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में अपने गांव में एकत्रित होकर के नशा मुक्ति को लेकर के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे, हस्ताक्षर अभियान चलाए, राज्यपाल जी को ज्ञापन दे, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर जो जहां है इस नशा मुक्ति अभियान में अपने संस्थाओं के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, शैक्षणिक संस्था, राजनीतिक पार्टियों के भी प्रमुख लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश की जो 7 करोड़ जनता है उनसे हम करबद्ध निवेदन यही करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाएं और मध्य प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगे, ये मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन दें, उनसे अपील करें जिससे हमारा मध्य प्रदेश नशा मुक्त हो। यही हमारी मध्य प्रदेश की जनता से अपील है। जय हिंद जय भारत। आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।